नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना खबरें देते रहे। दोस्तों भारत को न्यूजीलैंड के हाथों चौथे वनडे में 8 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की पारी को 92 रनों पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड ने 14.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारत की यह गेंद रहते वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस हार के लिए खिलाड़ी खुद ही जिम्मेदार हैं। विराट को आराम दिए जाने के कारण रोहित शर्मा ने इस मैच में टीम की कमान संभाली। यह उनका 200वां वनडे मैच भी था। हार के बाद रोहित ने कहा कि यह बल्लेबाजी में टीम का लंबे अंतराल बाद खराब प्रदर्शन है। हमें ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और इसलिए टीम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को श्रेय दिया जाना चाहिए। जब गेंद स्विंग हो रही थी तो बल्लेबाजों को दबाव सहन करना होता है। इस हार के लिए हम खुद ही दोषी हैं। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी भरा प्रदर्शन करना चाहिए था। यदि हम थोड़ी देर क्रीज पर टिकते तो परिस्थितियाँ आसान हो जाती। दोस्तों रोहित ने कहा कि हमने कुछ खराब शॉट्स भी खेले। जब गेंद स्विंग होती है तो बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ जाती है। टीम कई सीरीज से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसके चलते सभी को पता है कि इस मैच में क्या गलत हुआ। जब हम अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। दोस्तों इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 21 रन देकर 5 और कॉलिन डी ग्रैंड होम ने 26 रन देकर 3 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी ने भारतीय पारी को 92 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में ये 7वां सबसे कम स्कोर रहा। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 7, शिखर धवन ने 13, अपना पहला मैच खेल रहे शुभमन गिल ने 9 रन बनाए, जबकि अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक खाता तक नहीं खोल सके। केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 रन बनाया, जबकि खलील अहमद 5 रन बना सके, जबकि चहल ने 18 और कुलदीप ने 15 रन बनाए। इन दोनों ने 25 रन की साझेदारी कर भारत के स्कोर को 92 रन तक पहुँचाया। दोस्तों न्यूजीलैंड की ओर से बोल्ट और ग्रैंड होम के अलावा कीवी टीम की ओर से जेम्स नीशम और एस्टल ने 1-1 सफलता पाई। न्यूजीलैंड की टीम 93 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। कीवी टीम के 13 रन के स्कोर पर मार्टिन गप्टिल 14 का विकेट गंवा दिया। गुप्टिल को भुवनेश्वर कुमार हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद भुवी ने एक बार फिर भारत को सफलता दिलाई जब उन्होंने कीवी कप्तान केन विलियम्सन को 11 रन बनाकर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद हेनरी निकोल्स और रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड की बेहतरीन पारी साझेदारी कर जीत दिला दी। निकोल्स 30 और रॉस टेलर ने 37 रन नाबाद बनाए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।